ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर भारत को चुनौती देने के लिए तैयार, भारतीय कर रहे हैं उत्सव का इंतजार। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में हरा दिया। इस जीत के साथ कंगारू ने टीम इंडिया के साथ फाइनल की सीट पक्की की। 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। मशहूर कमेंटेटर सुनील दोषी ने अपनी राय रखी है। विश्व कप के मुकाबले के फाइनल के दो प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल साफ हो गए हैं, मतलब यह कि भारत तो पहले ही पहुंच चुका था। फाइनल में इंतजार कर रहा था कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद कौन जीतेगा, और आखिरकार वही हुआ जिसकी कल्पना की जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया आखिरकार जीत गया, हालांकि गिरते पड़ते जीता, बड़ी मुश्किल से जीता। और दक्षिण अफ्रीका की वही दिक्कतें सामने आई कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बल्लेबाजी में उन्होंने आकर एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया था जहां संघर्ष किया जा सके। 24 पर 4 विकेट गिर गए थे और लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका परास्त हो जाएगा और बहुत ही जल्दी 100 रन के अंदर सिमट जाएगा। लेकिन बाद में आपने देखा डेविड मिलर ने जिस तरह की पारी खेली, शतक बनाया, आक्रामक पारी खेली और स्कोर को वहां तक पहुंचाया जहां की ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें पैदा हो सकें। पता नहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनना उनके लिए भारी पड़ा, क्योंकि ओवर कास्ट थी, आसमान में बादल थे, भारतीय वातावरण, पिच नया और टप्पा खाकर गेंद सीम हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया सीमर्स ने इसका बड़ा फायदा उठाया। मिशेल स्टार्क ने खास करके बहुत अच्छी बॉलिंग की, अब तक वे काफ़ी रन लुटा रहे थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन यहाँ जैसे ही मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी टीम है, जब उसको बड़ा मौका मिलता है तो वो बड़ा प्रदर्शन करती है। हेजलवुड ने सभी बल्लेबाजों को खामोश रखा और कुल मिलाकर अपनी जीत के द्वार खोल दिए। जब बाद में ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की तो लग रहा था कि बड़े ही आसानी से मैच जीत लेंगे। साउथ अफ्रीका की तरफ से स्पिनर्स आए, केशव महाराज और शमसी ने भी बल्लेबाजों को बांध कर रखा और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए एक एक रन के लिए मोहताज कर दिया। कम स्कोर होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीकाई बॉलर ने इस मैच में फाइट की और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए एक एक रन लेने के लिए तरसा दिया। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने इस स्कोर को चेज कर लिया और मैच को अपने नाम कर फाइनल में जगह बनाई। अब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला 19 नवंबर को भारत से होगा, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।